ये सूरतुन निसा की पहली आयत है। हमारा ये मानना है कि इस्लाम इस्लाम वो वाहिद मजहब है कि जिसने सबसे पहले हुकूक इंसानी की बात की है, ह्यूमन राइट्स की बात की है, और उसमें भी खास तौर से औरतों के हुकूक को सबसे पहले इस्लाम ने बताया है, चाहे वो वरासत में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो निकाह के मौके पर हो, चाहे जिस मौके पर भी हो, हर मौके पर औरत को एक मकाम देना, एक दर्जा देने की बात सबसे पहले कुरान ने कही है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी के जरिए से उम्मत को तालीम भी दी है और खुद भी अमल कर बताया है कि औरतों का सोसाइटी में माशरे में क्या मकाम और क्या दर्जा होना चाहिए। और सही बात तो यह है कि इस्लाम जेंडर जस्टिस का कायल है कि हर एक को उसके दर्जे के मुताबिक इंसाफ दिया जाए और हर एक को उसके दर्जे के मुताबिक एहतराम किया जाए। ये असल इंसानियत की जरूरत है, वरना हर एक को बराबर दर्जे पर लेकर आने में ना इंसाफी है और बेएतदाली है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक तआला इस आयत में फरमाते हैं या अय्युहन नास, ए लोगो, यहाँ सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा जा रहा है बल्कि तमाम इंसानों को, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, जो अपने आप को इंसान मानते हैं, जो अपने आप को इंसानियत की कैटेगरी में शुमार करते हैं, तो उनसे कहा जा रहा है इत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलककुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उस रब से डरो, उस रब का तुम जो भी नाम देते हो, चाहे तुम उसे अल्लाह कहते हो या कुछ और कहते हो, जो तुम्हारा परवरदिगार और पालनहार है, उससे डरो। कौन है वो रब के जिसने तुमको पैदा किया है एक जान से, एक एक इंसान से तुमको पैदा किया, और यही यही असल इंसानियत की इब्तिदा है। ये तो इस पर अब बहस का मौका नहीं है कि डार्विन ने जो थ्योरी पेश की है वो आज तक थ्योरी ही चली आ रही है, वो आज तक हकीकत के तौर पर साबित नहीं हो चुकी है, और एवोल्यूशन की और इर्तिका की जो थ्योरी कुरान ने बयान की है वो 100% सही है कि तुम एक जान से, एक इंसान से तुम पैदा किए गए हो। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और वहां से अल्लाह तबारक तआला ने उस एक जान से उसका जोड़ा बनाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिमस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया अपनी कुदरत से और अपनी हिकमत से, मिट्टी के गारे से बनाया, लेकिन जान और रूह जो डाली वो अपने कलिमे से और अपनी हिकमत से डाली। वबस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसा, और फिर इन दोनों के जरिए से अल्लाह तबारक तआला ने बेशुमार मर्दों को और औरतों को पैदा फरमाया है। तो लिहाजा मर्दों को और औरतों को अल्लाह ने पैदा फरमाया और एक जान से सब पैदा हुए हैं। गोया के हकीकत ये बताई जा रही है कि पूरी इंसानियत ये आपस में एक दूसरे के भाई बहन है और पूरी इंसानियत के माँ बाप एक हैं। तो लिहाजा जब आपस में सब के सब इंसानियत के नाते से जुड़े हुए हैं तो आगे फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, कि ये जो रिश्ता है इंसानियत का रिश्ता, फिर उसके बाद ईमान का रिश्ता आता है, लेकिन यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला जो है इंसानियत के रिश्ते के बारे में फरमा रहे हैं कि ये जो रिश्ता है इसका लिहाज करना है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह की जात तुम पर निगरान और निगहबान है। जैसे आदमी कहीं जाता है वहाँ नोटिस लिखा हुआ होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के अंदर में आ चुके हैं, तो लिहाजा आदमी चौकन्ना हो जाता है। तो ऐसी अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, ये जो इंसानियत का रिश्ता है इस इंसानियत के रिश्ते पर अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, यानी अल्लाह देख रहे हैं कि कौन इस इंसानियत के रिश्ते को निभा रहा है। हर एक आपस में भाई बहन है, हर एक का आपस में खूनी रिश्ता है। इस्लाम ने हमें न जात पात सिखाई है, न कौमियत और असबियत को समझाया है, बल्कि इस्लाम इन तमाम चीजों का इनकार करता है। तो लिहाजा जो है तमाम इंसान एकजुट हो जाए कम से कम इंसानियत के नाम पर, ये इस आयत का पैगाम है। मैंने ये आयत इसलिए पढ़कर सुनाई कि बहुत सों के इल्म में होगा और नहीं भी होगा तो कम से कम जान लेना चाहिए कि इस हफ्ते में
हमारे मुल्क के शुमाल मशरिकी इलाके से नॉर्थ ईस्ट से एक वीडियो सामने आई है कि जिसमें औरतों के साथ जो गैर अखलाकी नहीं गैर इंसानियत बल्कि हैवानियत से भी गिरा हुआ मामला उनके साथ किया जा रहा था और सिर्फ पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया इस पर चीख उठी है। तो एक मुसलमान होने के नाते एक इंसान होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको गलत कहें और गलत समझें, इसलिए कि ये आसमानी और कुरानी तालीमात के भी खिलाफ है। लेकिन हमको ये समझ लेना चाहिए, ये कहकर हम इसको इग्नोर न कर दें, इससे एराज न करें कि ये हमारे साथ थोड़ी हुआ है भाई, किसी इंसान के साथ तो हुआ है। और ये इसी वजह से हुआ कि माशरे में जब जो है भेदभाव होते हैं और माशरे में जब नफरतें होती है, असबियत होती है, माशरे में जब औरत के मकाम को नहीं पहचाना जाता है, तो फिर ऐसे वाकयात ये इंतहा बन जाते हैं। और फिर ये भी याद रखना चाहिए कि ठीक है, हम सिर्फ इस वाकये को गलत नहीं कहते बल्कि जिस जिस अंदाज में समाज में अगर औरत की बे एहतरामी की जा रही है उसको भी हम गलत समझते हैं। इसलिए कि कुरान कहता है वआशिरूहुन्न बिलमारूफ, के औरतों के साथ भलाई का मामला करो। हज्जतुल वदा के खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, औरतों के साथ भलाई का मामला करो, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारा मददगार बनाया है। कि एक घरेलू जिंदगी अच्छा इंतजाम अगर चलाना है तो मर्दों और औरतों का साथ रहना, मियां बीवी में एक दूसरे के मिजाज को समझना और एक दूसरे को निभा कर लेना, यही इस दिवाजी जिंदगी का असल गुर है। आपस में एतमाद और मोहब्बतों को कायम करना ये नहीं है, ये जैसे वो इंसानियत से गिरी हुई हरकत है, और औरत को जो उसका दर्जा न देना ये भी गिरी हुई हरकत है। चाहे वो हमारे माशरे में हो, चाहे वो औरत को उसके माँ बाप के नाम से गाली गलौज करना हो, चाहे बेटी का पैदा हो जाना आज भी बाज खानदानों में मनहूस समझा जाता है, ये भी इंसानियत के खिलाफ है। औरत पर हाथ उठाना ये भी इंसानियत के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहले व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी कौन है, वो नहीं जिसको पड़ोस वाले, जिसको बाहर वाले, जिसको दोस्त अहबाब, जिसको समाज वाले अच्छा कहे, वो सबसे अच्छा है जिसको घर वाले अच्छा कहें। और याद रखो मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा सुलूक करता हूँ। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी कि वो एक से जायद बल्कि 11 निकाह आपने फरमाए, तो जाहिर है कि ये कहीं खुदा ना खास्ता किसी शहवत पर मबनी नहीं थे कि अलग अलग मिजाज को कैसे निभाया जाए, कैसे संभाला जाए। बल्कि कुरान तो ये बताता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम, इन दोनों का वाकया कुरान जिक्र करता है कि ये लोग जाहिर है कि वक्त के नबी थे, लेकिन खुद इनके घर वालों ने, इनकी बीवियों ने इनकी बात को और इनकी दावत को कबूल नहीं किया था, इसके बावजूद इतना निभाया कि अखीर तक जब तक कि अल्लाह का अजाब नहीं आया तब तक कि इन दोनों नबियों ने अपनी बीवियों को अपने से जुदा नहीं किया, यानी कुफ्र को भी बर्दाश्त किया। अगरचे हमारी शरीयत में कुफ्र को बर्दाश्त करने की इजाजत नहीं, लेकिन कुरान उनकी मिसाल दे रहा है कि उन्होंने कुफ्र के बावजूद अपनी बीवियों को अपने से दूर नहीं किया। जे जाए कि हम गुस्से में आकर, नशे में आकर तलाक का गलत इस्तेमाल करते हुए अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो ये भी इंसानियत से गिरी हुई हरकत है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है।